मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार शाम को एक भव्य कार्यक्रम में श्रीमंत माधव सिंधिया व्यापार मेले का विधिवत शुभारंभ किया। पिछले कुछ सालों की तरह इस बार भी ग्वालियर व्यापार मेले में इलेक्ट्रॉनिक और मोटर व्हीकल सेक्टर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया की पहल पर मध्य प्रदेश सरकार ने लाइफ टाइम टैक्स पर 50% की वाहनों पर छूट दी है। इस कारण दूर दराज से लोग वाहन खरीदने के लिए ग्वालियर व्यापार मेले में आ रहे हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी इस बार अच्छा खासा कारोबार होने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विधिवत दीप जलाकर व्यापार मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सांसद विवेक सेजवलकर, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, वरिष्ठ नेता जयवंत सिंह पवई सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। ज्योतिरादित्य जी सिंधिया के स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ श्री प्रद्युम्न सिंह जी तोमर। आपसे अनुरोध है मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह जी का स्वागत और अभिनंदन। श्री बी नरहरी सचिव मध्य प्रदेश शासन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग से अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन। मैं अनुरोध कर रहा हूँ स्वागत और अभिनंदन करें माननीय श्री ज्योति महाराज साहब ने जो 109 साल पुराना मेला प्रारंभ किया था, मैंने सभी महाराज को याद किया है और ये मेला और उन्नति करेगा, आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने हम सब प्रयास करेंगे।